घर घर माछ आ पान मखान मिथिला के असल पहचान ते एकर उद्योग केना लगे एकरा वास्ते भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग से मिथिला में औद्योगिक क्रांति आवश्यक छे। चाहे मछली के जे आज देख रहे छी मखान के और साथ साथ पान के एकर उद्योग केना बढ़ावा हुआ बड़ा इलाका एठाम बिहार सरकार भी सोच के कुछ राशि भी भेटल छे। भारत सरकार ओकरा वास्ते तत्पर छे। एखन हमरा संगे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे छथि और सबसे पहले जे छै से अपने के बहुत बहुत स्वागत अछि। अपने विद्यापति पर्व समारोह के अवसर पर एठन एलौं हैं। लगातार गोपाल जी एकटा मांग राखि रहल छथिन कि लोकसभा में जे छै से बाबा विद्यापति के एकटा स्टैचू एकटा जे छै से हुनकर प्रतिमा के ओहिठाम राखल जाए तो ई संपूर्ण मिथिला के तरफ से हमहू सब मांग कर रहल छी। देखू ई पड़री गांव मिथिला के धन्य है एकर पुत्र गांव के गोपाल जी ठाकुर सांसद बनकर एठाम से माँ के आशीर्वाद से गेला। हम तो एठाम आयल रहा बहुत पहले माता के दरबार में। मिथिला विद्यापति जी पूरा भारत के कहो कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का जागृत करे वास्ते विद्यापति जी जैसन महान कवि जे शंकर भवानी के भी महान भक्त उ विद्यापति के ये तीर्थ पुण्यस्थली एठाम जे अहाँ कहलौ कि विद्यापति जी के मूर्ति लगवाक चाही हम एकर प्रयास पार्लियामेंट में हम स्वयं एकर आग्रह भी करले छी। हमरा विश्वास छै कि ई काज का महान कवि विद्यापति जी के एक भव्य मूर्ति लोकसभा परिसर में लगायल जाए इस वास्ते लोकसभा के अध्यक्ष के भी बातचीत भेल छै। ओकर प्रतीक्षा करू। निश्चित रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी भावना मिथिला के वास्ते बहुत ही दिव्य भावना है। तो एठाम विद्यापति जी के ओहिठाम मूर्ति स्थापित हो इस वास्ते हम सब प्रयासरत छी। प्रधानमंत्री लगातार जे छै से आत्मनिर्भर के बात कर रहल छथिन, आत्मनिर्भर भारत। तो ओहि आत्मनिर्भर मिथिला में जे के तहत जे छै अहाँ के जे मंत्रालय छै ताहिसँ की चीज हम सब परिकल्पना कऽ सकैत छी? देखो आत्मनिर्भर भारत में जहाँ वोकल फॉर लोकल एहिठाम मिथिला के की पहचान, हाँ मिथिला के की पहचान तो घर घर माछ घर घर माछ आ पान मखान मिथिला के असल पहचान। तो एकर उद्योग केना लगे एकरा वास्ते भारत सरकार राज्य सरकार के सहयोग से मिथिला में औद्योगिक क्रांति आवश्यक छे। चाहे मछली के जे आज देख रहे छी मखान के और साथ साथ पान के एकर उद्योग केना बढ़ावा हुआ बड़ा इलाका एठाम बिहार सरकार भी सोच के कुछ राशि भी भेटल छे। भारत सरकार ओकरा वास्ते तत्पर छे कि मिथिला को हम जहाँ मखान शोध केंद्र बन गेलै एठाम तो निश्चित रूप से हमर डिपार्टमेंट अहाँ जानै छी कि प्रकृति और पर्यावरण के साथ साथ खाद्य आपूर्ति विभाग भी जहाँ 80 करोड़ लोग का 5 किलो अनाज मुफ्त प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के
आशीर्वाद से भेट रहे छे 15 महीना से। निश्चित रूप में जे प्रकृति के प्रधानमंत्री जी कि हर मेड़ पर पेड़, हर मेड़ पर पेड़ लगा, ताकि वो पेड़ के पर्यावरण के दृष्टिकोण से, प्रकृति के दृष्टिकोण से ये मिथिला के भी सजायल जाए, तो प्रकृति रक्षिति रक्षिता, प्रकृति का रक्षा करने पर प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। तो मुझे लगता है कि मिथिला की संस्कृति को और भी आगे बढ़ाने के लिए, जहां मिथिला में गरीबी है तो उन गरीबों के लिए अनेक योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से चल रहा है और आगे भी इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि हमने अपने हमारे डिपार्टमेंट से जहां कार्बन का इमिशन जीरो करने का पंचामृत भेंट किया है, प्रधानमंत्री जी ने विश्व को अभी ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जीरो नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन हो, उसके लिए हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना पड़ेगा और प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित करके हम मिथिला को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक जैविक खाद और प्राकृतिक खेती के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि जैविक खाद और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती जो परंपरागत उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो ई लेकर प्रयास चल रहे छे, ओकर प्रयोग चल रहे छे भारत में। अब मिथिला ओकरा में अग्रणी भूमिका अदा करते हमर विश्वास से।